नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद कई लोगों की मौत होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का सामने आया है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने एक 64 वर्षीय बुजुर्ग को मरने के बाद कोरोना वैक्सीन लगा दी। बता दें कि फरीदाबाद के एसजीएम नगर के रहने वाले कृष्णलाल, जिनकी उम्र 64 वर्ष थी, उन्होंने 2 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और उसके अगले लगभग 12 घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें आनन फानन में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे के मुताबिक वह जब अपने पिता को अस्पताल लेकर गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि उनके पिता ने 2 तारीख को ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। उन्होंने उनकी मौत का कारण जानने के लिए डॉक्टरों से कहा, लेकिन डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम करवाने की बजाय उन्हें उनके पिता के शव को घर ले जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद वह अपने पिता के शव को घर लेकर गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद 7 तारीख को उनके पिता के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसे उन्होंने ओपन करके देखा तो पाया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए मैसेज में उनके पिता को बीते 6 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और इसके 28 दिन बाद ही दूसरी डोज की डेट दे दी गई है, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके पिता की मौत तो बीते 2 और 3 तारीख की रात को हो चुकी थी। जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि कोरोना की वैक्सीन उनके पिता ने लगवाई थी, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। इस मैसेज के बाद ही उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने का सबूत मिला, लेकिन उनके पिता ने तो 2 तारीख की सुबह वैक्सीन लगवाई थी और उसी दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और 2 और 3 की रात को उसकी मौत हो गई। अब वह चाहते हैं कि उन्हें तो उनके पिता की मौत के बाद क्षति हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। वहीं जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से बात करने की कोशिश की गई तो स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में मीडिया के सामने आकर कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, क्या हुआ, पूरा वाक्या बताएं, आपके पिताजी के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ स्टार्टिंग से लेकर? 2 हफ्ते पहले पापा को गली वाले ने बोला भाई कि हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप भी चलो। हमने बोला कि भाई साहब, हमने बोला आपने लगवानी आप लगवा लो, हमारे पापा को नहीं लगवानी। पापा को हमने मना किया, रहने दो 3 महीने भाई, घर में रह के काट लो। जी जी। और आराम से कट जाएंगे। जब पूरा साल कट गया तो 3 महीने की क्या बात है, 3 महीने 4 महीने की क्या बात है। कह रहे ठीक है, पहले तो मान गए। अरे 2 हफ्ते बाद फिर जब 2-4 बंदे गली के लगवाए, फिर चल दिए कि जी मैं तो वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। उस दिन कैंप लगा था, अनाउंसमेंट हो रही थी, अनाउंसमेंट सुन के चले गए। कहाँ लगा था ये? आशानंद स्कूल में। जी। आशानंद स्कूल में लगवाने गए और आधार कार्ड ले गए, खुद ही जाके वैक्सीन लगवा के। कितनी तारीख को लगवा, कब लगा, कितने बजे? 2 तारीख को आपका दिन में 11:30-12 के। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद अच्छे खासे थे। रात को 11:30 बजे के आसपास मेरे को कह रहे कह रहे मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैंने कहा जी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अच्छा। मैंने कहा मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने नेबुलाइजर की मशीन वगैरह लगाई, मैंने कहा निकाली, नेबुलाइजर लगा रहे थे और लगाते लगाते गिर गए, वो तो गिर गए। मैंने कहा यार इन्हें क्या हुआ, हमारे होश गुम। हमने गली में एक आध बंदे इकट्ठा किया, हमने कहा उठा के उनको ले के हम गाड़ी में डाल के बीके ले गए। बीके ले गए, बीके ले जाते जी वो तो मतलब घर में ही एक्सपायर हो लिए। अब वहाँ जाके जी उनको बोला कि भाई इनको चेक करो, इन्होंने वैक्सीन ली थी। करे दिखाओ, उन्होंने ECG करा और ECG करके कहते जी ये तो एक्सपायर हो रखे हैं जी, आप इन्हें ले जाओ। मैंने कहा जी आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना, वही इन्होंने वैक्सीन ली है। करे जी इन्फॉर्म करके क्या करोगे पोस्टमार्टम? मैंने कहा जी पोस्टमार्टम वगैरह? करे आप बोलोगे तो हम करेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। मैंने कहा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। करे जी हमें क्या पता। करे आप ले जाओ, हम ले आए।
ले आए तो आपने कहा नहीं कि पोस्टमार्टम कीजिए? हमने तो बोला ना, आपने बोला कि पोस्टमार्टम, हमने बोला, हमने कहा भाई क्या करना है देखो आप, उन्होंने टाल दिया भाई। जब वैक्सीन लगी है तो सरकार ही तो देखेगी, सरकार ने लगाई है, हम तो सरकार के पास ही तो लेके थे, तो उन्होंने क्या नाम टालम टोल कर दिया। मुझे जिला अस्पताल और कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद एक इंसिडेंट होता है कि आपके पिताजी के नाम पर ही 6 तारीख को उन्हीं के आधार कार्ड पर कोविशील्ड का वैक्सीन जो है, जो कोरोना का टीका है, वो लगा दिया था। वो क्या मामला है भाई साहब? वैक्सीन लगी है 2 तारीख को, मैसेज आया 7 तारीख को, जब हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड करा तो उसमें तारीख दिखा रहा 6 तारीख, 6 तारीख दिखा रहा कि जी कोविशील्ड की वैक्सीन की डोज लगी है। अब बंदा 3 तारीख को एक्सपायर हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट में दिखा रहा जी 6 तारीख, और लगभग पिताजी ने लगवाई है 2 तारीख, लगवाई है 2 तारीख, लगभग 12 घंटे के बाद एक्सपायर हो गए, 12 घंटे में एक्सपायर हो गए। तो क्या मानते हैं कि सरकार ने जो ये कोविड वैक्सीन जो बनाई है कुछ प्रभावी है या? भाई साहब हमें कुछ नहीं पता, हमारे घर का नुकसान हुआ, हमारा आदमी चला गया, अब हमें क्या मतलब। बिल्कुल स्वस्थ थे आपके पिताजी? बिल्कुल अच्छे खासे थे, खुद चल के गए हैं और खुद लगवा के खुद चल के आए। 2020 कोरोना में पूरे घर में थे, इससे ज्यादा और स्वास्थ्य क्या लोगे। 2 तारीख को आपके पिताजी ने इंजेक्शन लगवाया और रात को ही लगभग 12 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और 6 तारीख को आपके पास मैसेज आता है, 7 तारीख को मैसेज आता है कि आपके पिताजी ने 6 तारीख को कोरोना का टीका लगाया, यही बात है जी? तब तक आपके पास कोई प्रूफ था टीके का? नहीं, कोई कुछ नहीं दिया हमारे पास, कोई रसीद नहीं हमारे पास, कोई कुछ नहीं। मौत के कारण जानने के लिए आपने बोला भी कि पोस्टमार्टम? हमने उनको बोला था कि भाई पोस्टमार्टम वगैरह देखो क्या करना है, या किसी को इन्फॉर्म करना, किसी बड़े अधिकारी को। उन्होंने कहा जी किसी को इन्फॉर्म करके क्या करूँगा। तो क्या लगता है कि उन्होंने सीधा रिपोर्ट में ये लिख दिया, हाँ उन्होंने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि भाई हार्ट अटैक है। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानते हैं इसमें कुछ? तो मानते हैं, क्यों नहीं माने। कौन कोई डॉक्टर जिसका नाम पता हो जो मौके पर उस समय मौजूद हो, जो आपके आपसे जो बातें हुई सारी? मौके पर डॉक्टर का तो हमें पता नहीं, यही है जो इसमें देखो साइन किसके, हमें क्या पता जी। शुक्रिया। आपकी मौत की वजह भी नहीं पता चल पाई? मौत की वजह कुछ बताया नहीं डॉक्टरों ने, क्या है क्या नहीं? उन्होंने अटैक बोला कि जी अटैक आया, हमने कहा जी अटैक आया। अटैक का कोई कभी कोई पहले कोई कहना कोई बीमारी हो इस तरीके की, या कुछ तरीके कोई इलाज करवाया हो आपने, कोई दवाई गोलियाँ खाई किसी और अस्पताल से आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 2019 में बस उनका हल्का सा उसका फेफड़े का इलाज चला था, क्योंकि इसका जी पानी भर गया था 2019 में। उसके बाद से कोई उनके सारे टेस्ट हुए थे, इको, LFT, KFT सब हुए, सारे क्लियर थे। अब उन्होंने किस बात से पुष्टि की है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, क्या कहा? ECG, और क्या किया उन्होंने? ECG किया बस ECG को उन्होंने हार्ट अटैक बताया, ECG से ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हार्ट अटैक हो गया। तो उन्होंने ECG किया, उसके अलावा क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इसी में पड़ गया। ECG करके उन्होंने बोल दिया कि लो ये ECG तो एक चीज की रिपोर्ट होती है कि आपका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें ये रिपोर्ट कहाँ से आ जाएगी कि हार्ट अटैक हुआ है? तो उन्होंने तो ECG किया, बस ये किया और क्या किया, और बोल दिया हार्ट अटैक हो गया। हाँ, लिख दिया, ये लिखा है, ये ना कौन सी रिपोर्ट दी है। क्या मानते हैं लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की रही पूरी? भाई साहब किसकी लापरवाही, हमारे में कुछ समझ नहीं आया, हमारे साथ हुआ है, हम चाहते किसी और के साथ ना हो जी। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी लापरवाही बरती है? वैसे तो प्रशासन देखे किसके क्या करना है, हमारे को कुछ नहीं पता, हमें तो अपना घर संभालना है जी। हम अपना घर देखेंगे या प्रशासन को? नहीं, प्रशासन की नहीं, मतलब आप प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लापरवाही, ये चाहेंगे कि किसी और के साथ ना हो और ऐसे लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर पोस्टमार्टम करते तो ये स्पष्ट हो जाता? देखो पोस्टमार्टम करना उनकी जिम्मेदारी, नहीं अगर पोस्टमार्टम करते तो ये स्पष्ट होता कारण, मौत का कारण, मौत का कारण क्या? हम उनसे जबरदस्ती मांग के तो नहीं लाए, जो ले जाओ। ठीक, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक